नमस्कार, डीएनए की जो चुनावी यात्रा है वो रायबरेली पहुंच चुकी है। कल हमने अमेठी कवर किया था, अमेठी की कई सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब हम रायबरेली पहुंच चुके हैं और रायबरेली में अगर देखा जाए तो ये गांधी परिवार का जो है गढ़ रहा है। बहुत समय से गांधी परिवार यहाँ पर सत्ता में काबिज रहा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गांधी परिवार का निवास स्थान, जो पूरे परिवार में से चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या फिर सोनिया गांधी खुद हों, ये जब भी यहाँ पर आते हैं रायबरेली में तो वो यहीं पर ठहरते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर प्रियंका गांधी ठहरी हुई हैं, जो कि रायबरेली में कल एक जनसभा में शामिल हुई थी और आज यहाँ पर हैं। कल जनसभा के बाद आज वो क्या क्या करेंगी, अमेठी और रायबरेली से जुड़ी हुई जो भी नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, वो अपने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह के साथ आज मिलकर वो मीटिंग कर रही हैं और आज वो रणनीति बना रही हैं कि अगले आज और कल के दिनों में वो रायबरेली में कौन कौन सी जनसभा करेंगी। तो कल हमने आपको अमेठी का सारा दौरा दिखाया था, लोगों की क्या राय है वो दिखाई थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि रायबरेली में लोग क्या सोचते हैं, कांग्रेस को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, बीजेपी को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, और देखते हैं कि कैसे लोग अपना माइंड चेंज कर रहे हैं या फिर वो गांधी परिवार को ही सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अमेठी में देखा था कि कई सारे बुज़ुर्ग वर्ग के लोग ऐसे दिखे हमें जो कि कांग्रेस को अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि रायबरेली में भी क्या ऐसी ही जनता है या फिर उनका भी कुछ विचार बदल रहा है। तो ऐसी ही और भी जानकारी जितनी भी है, अपडेट्स हैं, रायबरेली से जुड़े लोगों के क्या विचार हैं, ये जानने के लिए आपको डीएनए को फॉलो करना होगा और डीएनए से जुड़े रहना होगा और देखनी होगी हमारी डीएनए चुनाव यात्रा।